रांची के रिनपास में इलाज हुए 600 मानसिक रोगियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए गए हैं। उनके खान पान और दिनचर्या में भी कई बदलाव किए गए हैं। एक रिपोर्ट। ना हो संक्रमण, रिनपास रख रहा विशेष ध्यान। 600 रोगी है रिनपास में भर्ती। खान पान का रखा जा रहा विशेष ध्यान। समय समय पर दिया जा रहा गर्म पानी। रांची के रिनपास में इस वक्त 600 के आसपास मानसिक रोगी भर्ती हैं। इनमें से ज्यादातर 50 वर्ष की उम्र से ऊपर हैं, जिनको कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। रिनपास में मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। हल्की सी सर्दी खांसी और बुखार होने पर मरीजों को इस रूम में रखकर इलाज किया जाता है और सिम्टम्स आने पर उन्हें रिम्स भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि संक्रमण अंदर मानसिक रोगियों में ना फैले। पानी की कमी नहीं होने दे रहा पेशेंट में, और जिसको भी हल्का फुल्का फीवर है उसके लिए हमने एक वार्ड अलग कर लिया। अगर हल्का भी फीवर है उसको अलग कर लेता है। अगर मान लिया फीवर कंप्लेन किया है तो हम लोग दो वार्ड अलग कर दिए, इस साइड भी करते हैं उस साइड भी करते हैं, फीमेल साइड भी। तो उस वार्ड में हम लोग का फेब्राइल पेशेंट को रखते हैं, वो दो तीन दिन के बाद फीवर खत्म हो जाता है, फिर वापस उसका अपना वार्ड में भेजा जाता है। रोगियों के खान पान में गर्म पानी का समावेश किया गया है। बीच बीच में उन्हें लेमन पानी भी दिया जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है और खाने में पौष्टिक तत्व और प्रोटीन बढ़ाया गया है। उनको बुखार आ रहा है अभी हमारे वार्ड में, फीमेल वार्ड में। खांसी तो बहुत कम है, ज्यादातर लोगों को बुखार ही है। हम लोग उन लोग को सेपरेट कर दिए हैं और उन लोग को बुखार का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। और वो जो कोविड में भी काम करे और बुखार में भी काम करे। टेस्ट भी संक्रमित है, तीन हम लोग के तीन कलीग संक्रमित हैं अभी। हम लोग मास्क, डिस्टेंसिंग और मेन तो यही है हम लोगों का, सैनिटाइजेशन खो रहा है। हाँ, ये मानसिक रोगी हैं और बेहद सेंसिटिव होते हैं। ये तो कुछ समझ भी नहीं पाते कि उन्हें किससे मिलना है और किससे कितनी दूरी रखना है और किससे परहेज करना है। ऐसे में जरूरी है कि इन मासूम लोगों का पूरा ख्याल रखा जाए। कैमरामैन अरविंद के साथ रांची से न्यूज़ लाइन भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।